और इस वक्त आपको एक और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ ले चलते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अफगानिस्तान से जो भारत जो लोग लौटे हैं उसमें से गुरुग्रंथ साहिब को खुद आज हरदीप पुरी लेकर आए, तो आइए सुनते हैं। मेनी रिस्पेक्ट्स द फर्स्ट एनवायरमेंटलिस्ट, अभी आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, 2030 एजेंडा की बात करते हैं, बट इफ यू लुक एट द गुरु साहिब टीचिंग्स एंड उस जमाने में ही वॉज एडवोकेटिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। गुरु महाराज वॉज ऑल्सो इन मेनी रिस्पेक्ट्स वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, एंड दिस इज ऑल इनश्राइंड इन द टीचिंग्स ऑफ द गुरुस। और जो दो जो प्रिवेलिंग भावनाएं हैं, सेंटिमेंट्स हैं, आई थिंक इन मेनी रिस्पेक्ट्स दोज डिफाइन सिखिज्म टुडे वन चकिए एंड सेवा सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। मैं आपके अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, क्लोजर होम महामारी के दौरान ही नहीं, हमारे जो गुरुद्वारे हैं, हमारे जो ग्रुप्स हैं, ऑटोनोमसली उन्होंने सेवा की, लंगर सेवा की। पर उससे पहले जब मैं न्यूयॉर्क में पोस्टेड था, मैं आपको बताना चाहता हूं, व्हेन वी वर ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंडिया वाज प्रिजाइडिंग, जब सीरिया और लिबिया में युद्ध हुआ, तो हमारे सिख जत्थे वहां पे भी पहुंच गए इन द मिडस्ट ऑफ द सिविल वॉर और उन्होंने सेवा की। तो हमारा जो कनेक्शन है अपने गुरुओं के थ्रू हमारे गुरुद्वारा साहिब, सो 13 स्वरूप या स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब जी के थे, 7 मुझे लगता है पहले आ गए थे और 3 आज आई हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद द सेरेमनी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों में हमें कभी भी कोई डाउट नहीं था, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उनका जो पर्सनल संबंध है, उनकी कमिटमेंट है सिख कम्युनिटी को, सिर्फ यहां नहीं सिख वर्ल्ड वाइड, इस स्पेशल रिलेशनशिप के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं। आपको याद होगा करतारपुर साहब लहंगा और द कॉरिडोर की बात सदियों से हम सुने आ रहे हैं। जब मैं बाहर पोस्टेड था तो बातचीत के दौरान